जय गुरु। आज शुभ सकाल श्रेष्ठ परम दयाल पाद पंकज शतकोटी प्रणाम निवेदन करी प्रतिप्रत्येकर सुदीर्घ निरामय जीवन जापन कामना करी से दरदी दयाल पाद पंकज चलत डेरी करवानी आज आउ गोटे सुंदर कथा आलोचना करवा। वीडियो को जीवा पूर्व यूनिक क्रिएटर ममता रानी आपण मानक हृदय स्वागत जनाऊँ। आज आलोचना करवा आउ गोटे सुंदर कथा जहाँकि शिष्य आचार्य देव प्रदेश भित्तिक कर्मी बैठक में गोटे सुंदर अभिभाषण रखी थे। कौन थिला से अभिभाषण टी से दिन आचार्य देव तांकर अभिभाषण रे कहते कि थरे नारद प्रभु को पचारे प्रभु आपण रुहंती कौटी। प्रभु कहले मु बैकुंठरे रहेना योगी मानक हृदय रे भी रहेना। जेउठारे मोर भक्त माने गुणकीर्तन करंती मु सेइठारे ही विराजमान करे। से ठीक से ही परी शिष्य ठाकुरंकर पार्षद शरचंद्र हायदर भाई थरे जाजन करी फेरिछंती। ठाकुर पचारुछंती आच्छा शरदा ए परी कौन हुए आउ किपरी हुए जेउ कथा आपण कानरे केबे सुणी नाहंती जेउ कथा आपण मनरे केबे जागी उठिनी जेऊ कथा आपण भी केबे पढ़ी नाहंती आगरु केबे कहि भी नाहंती जाजन समय रे से परी कथा आपण को भीतर बाहरी आसे किपरी। शरदा कहचंती आज्ञा ठाकुर एकदम ठीक ए परी ही हुए किंतु किपरी हुए भीतर कथार जोगाण जेपरी किए दे दिए किंतु से जोगाण दिए के ठाकुर कहचंती सेई 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 सीए ही तो जोगाण दियंती सेई प्रभु। आउ थरे ननी गोपाल चक्रवर्ती दा थरे जाजन परिक्रमा रे जाइछंती दूर संपर्कियो ककेंक घरे रात्रि बास करिवे। रात्रि रे को कथा हो हौ वार्तालाप मझीरे आलोचना मझीरे शिशु ठाकुरंक कथा उठिला। ननी दांक ककेई सबु मन दे शुणुथिले। परदिन जेतबेले ननिदा चली जीवाकु बाहरिले सेतबेले से कहिले ननी तुमर खुड़ी आउ मु दीक्षा नबाकु चाहू। ननिदा दीक्षार कथा शुणी आनंदरे आसन फासन सजेइ देले। आसनरे बसी सेही ककेई कहुछंती अच्छा ननी संपर्करे तो मु तुमर ककेई हुए तुमे मोर पुतुरा तुमे किपरि भावरे मते दीक्षा देव मोर गुरु तुमे किपरि हेब। सेतबेले ननिदा कहुछंती शुणतु ककेई महाभारतर कथा कहुछि कुरुक्षेत्र युद्ध शेष हो जाइछि किंतु अर्जुनर पुत्र शोक आउ शेष हुए ना। श्रीकृष्ण देखिले एपरि जदि तार अवस्था हुए ताहेले तो को दिन से मूर्छा होइजिवो। ते अर्जुन को कहिले चल तुमको चंद्रलोक को नहीं जाए अभिमन्यु को निकट को जा। अभिमन्यु मर्त्यलोक को जाई सेतबेले चंद्रलोक रे राजा कृष्ण आउ अर्जुन को देखि आप्यायन करिला। से अर्जुन कहिले पुत्र तुम्हें चाल मो सहित मर्त्य को फेरी जीव मु आउ से पुत्र शोकर कष्ट सही पारुना। सेतबेले अभिमन्यु कहुचंती पिता विगत सात जन्म धरी आपण मोर पुत्र होइथिले आउ मु आपणकर पिता आ प्रत्येक जन्मरे आपण मो आगरु मरी जाइछंती आउ मु पुत्र शोक सहीछि आउ आपण एही गोटे जन्म भी पुत्र शोक सही पारुनाहंती। तापरे ननिदा कहुचंती शुणतु ककई संपर्करे एही जन्मरे आपण मोर ककई हुई जन्म होइछंती सत किंतु धरी नियंतु विगत सात जन्मरे मु आपणकर ककई थिले ताहेले भी कौन आपण एबे दीक्षा नै पारिबेनि। एहा सुनिबा परे ककई दीक्षा नै गले। असल कथा हेला जे एही गप कोठी महाभारत रे नाही ना भागवत कथा रे अछि संपूर्ण गोटे तियारी करा गल्प। ननिदांक पेटरु बाहरिछि लगे एहा किपरि संभव जोगाणदार त अछन्ति केही जणे अछन्ति तांकु जदि उपभोग करबाकु चाहू जाजन करबाकु हेबो। आपण माने विश्वास करंतु जे पर्यंत तांको कथा कहुची से एठारे ही आपण मानक मध्यरे अवस्थान करुछंती। सर्वभारतीय कर्मी बैठक रे
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଜନ କିପରି କରାହୁଏ ଆଉ ଯାଜନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାଜନର ଯୋଗାଣ କିପରି ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ପରିବାର ପରିଚାଳନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ହିସାବ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସନ୍ତାନ ସହିତ କେତେ କରି କିପରି ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିନେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରେ, କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଯେ ସତା ଯେ ସେ ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ଏ ବି ଠିକ୍, ଗଛର ଫଳ ଦେଖି ଗଛକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନା, ଯେପରି ବଟବୃକ୍ଷ ଫଳ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୃକ୍ଷ କେତେ ବୃହତ୍। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯିବା ଆମର ସବୁକିଛି ଦେଇ ଯେପରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁ। କେମିତି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।